लास्ट वीडियो में आपने देखा कि न्यू रोडवेज बस के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए खुशी खुशी मैं पहुंच गया लखनऊ सिटी लूलू मॉल देखने। मॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ा भी है, लेकिन एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है। आज सैटरडे नाइट है लेकिन यहाँ पे रश नहीं है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये था मेरी आंखों का धोखा। मॉल ज़रूर खाली था लेकिन उसकी कोई और वजह थी। मुझे खाली मॉल देखकर ऐसा लगा कि ये मॉल तो हो गया है फ्लॉप। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर कोई भीड़ मैंने नहीं देखा, तो मुझे यही फील हुआ, आपको भी ऐसा ही फील होता। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा थर्ड फ्लोर पे तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस तरीके के नीचे के सारे फ्लोर खाली है, एम्प्टी हैं, उसी के अपोजिट जो फूड कोर्ट है, जो ऊपर का लास्ट फ्लोर है, वो फुल भरा हुआ है पब्लिक से। यहाँ पब्लिक खाने का मज़ा उठा रही है। सैटरडे नाइट एक्चुअली यहाँ पे लोग स्पेंड करने आए हैं, इसलिए पूरा का पूरा मॉल खाली एकदम नज़र आ रहा है। यहाँ के एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपको विंडो शॉपिंग करना है, मतलब खाली घूमना है, देखना है, तो बहुत ठीक है, वरना लूलू आपके जेब पे बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस जगह भी आप नज़र उठाओगे कुछ ना कुछ खर्चीली चीज़ आपको दिख जाएगी। बच्चों के साथ आओगे तो कुछ खाने को मांगेंगे या खेलने को, तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा। आप लोगों को मैंने पहले से अलर्ट कर दिया है, तो अवेयर रहिएगा। जब बच्चों के साथ आइएगा तो अच्छी खासी मोटी रकम के साथ आइएगा। इस मॉल में बहुत सारे खाने के ब्रांड्स देखे, लेकिन जब इस पे नज़र पड़ी अपने लखनऊ का लोकल बट इंटरनेशनली नोन फेमस ब्रांड, ये देखिए ऑथेंटिक खाना है, ये टुंडे कबाबी का ज़बरदस्त लजीज। जिन लोगों को पता है कि लखनऊ में क्या चीज़ फेमस है, तो वो चीज़ है टुंडे कबाबी। इसका प्राइस देख लिया आप लोग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है भाई, मॉल के हिसाब से कुछ तो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन प्राइस बहुत सही है, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, चिकन फ्राई और मेरा रिश्ता आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग मुझको फॉलो करते होंगे। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी KFC पे, भूख मेरी बढ़ गई, बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने ऑर्डर किया चिकन फ्राई और जो टेस्ट किया, वल्ला हबीबी क्या टेस्ट था, क्या जूसीनेस, क्या सॉफ्टनेस, मतलब बस खाते जाओ पेट नहीं भरने वाला। और मेरे जैसे के लिए तो ऐसी चीज़ ही काफ़ी है लूलू मॉल जाने के लिए। लूलू मॉल में आया और KFC आउटलेट पे नज़र पड़ी, तो सोचा कि यार KFC ज़रूर ट्राई करूँगा, और ट्राई किया तो रियली में मज़ा आया। बीइंग ट्रैवल व्लॉगर, मैं बहुत सारी सिटीज़ में गया हूँ, बहुत सारे होटल के चिकन फ्राई भी खाया हूँ, लेकिन जो बात KFC में है रियली में, वो हटके है। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और होटल के चिकन फ्राई से। जो उसके अंदर क्रंचीनेस और सॉफ्टनेस जो रहती है ना, वो जूसीपना, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। चिकन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो बहुत रूखे सूखे होते हैं, मतलब वो अच्छे नहीं लगते खाने में, लेकिन KFC का कभी भी आप ट्राई करोगे, वो भी पार्ट आपको अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगी।